तभी तो कुरान कह रहे न कफ़ारू या कुलू ना वमत्ता न कमाता अनाम, जो खुदा के मुनकिर हैं जो खुदाई तालीमात को नहीं मानते वो ऐसे खाते हैं और ऐसे दुनिया की नमतों से लुफानंदोज होते हैं जैसे चौपाए और जानवर आप कह सकते हो अल्लाह ऐसे तो नहीं खाते गदा तो खड़े होकर खाता है काफिर तो आराम से बैठ के खाता है और चौपाए तो चलते फिरते खाते हैं और ये तो छुरी कांटों से खाते हैं बड़े डिसेंट तरीके से थ्री पीस सूट में बैठ के मेज कुर्सी पे और प्लेट पहले साफ होगी उसके बाद साफ होगी हाथ साफ होंगे तो बड़े तमीज़ से खाता है इंसान तमीज़ से तो खा रहा है लेकिन गधे का जो खाने से विजन है इंसान का विजन भी बोलो भाई वही है कि खाने से मतलब है खिलाने वाले से मतलब नहीं है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल खाने से मतलब होता है जानवर को खिलाने वाले से मतलब नहीं होता तो जो गैर मुस्लिम है उसको भी खाने से मतलब है कि क्या खा रहा हूँ खिलाने वाले से मतलब नहीं है वो एक खिलाने वाला वो है जो खिलाने का सब� सबब बन रहा है वो असल खिलाने वाला नहीं होता खिलाने वाला वो है जो खुराक का इंतज़ाम कर रहा है आप किसी जंगल में पड़े हुए हो भूख लग रही है आपको खतरा है कि मैं मर जाऊँगा कोई दूर दूर तक होटल नहीं है कहत का एक समय है आपकी आंख लग जाती है आप जब उठते हैं तो सामने खाना रखा हुआ है अगर आप में इंसानियत है तो आप खाने के साथ साथ इस बात को भी फोकस करोगे कि ये खाना रख कर कौन गया है इस तजस्सुस में पढ़ोगे आप अगर इस दौरान कोई शख्स आपको मिलता है और कहता है कि भाई फ़ला जगह से एक आदमी घोड़े पर तेज़ रफ़्तार घोड़े पर आता है और खाना रख के चला जाता है तो जब आप यहाँ से सफ़र करके आगे जाओ तो एक दफा हम उसके घर जाके शुक्रिया अदा कर देंगे वो तीन दिन से आप यहां पड़े हुए हो वो तीन दिन से खाने का इंतजाम करके जा रहा है आप जवाब में कहते हो कि ये खुद बखुद हो रहा है सब कुछ ये ऑटोमेटिकली तो 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 हो रहा है खिलाने विलाने का कोई सेटअप नहीं है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है उसके बाद आप सोते हो फिर देखते हो कि खाना रखा हुआ है आपके सामने फिर जब आप खाओगे ना तो चाहे कितनी तमीज़ से बैठ के चाहे बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो उससे पहले हाथ धो के आप खूब नहा धो के थ्री पीस सूट में आप बैठोगे तो अकलमंद कहेगा कि तुम ऐसे खाते हो जैसे जानवर उसे खिलाने वाले से कोई गरज़ नहीं एक शुक्रिया तो अदा कर दो जाके भाई आपका नहीं यार वो एक किलोमीटर के फ़ासले से कोई बंदा आपने बताया आता है तो कौन जाए वहाँ पे बल्कि आप कह रहे हो कि आता ही नहीं है कोई ये खुद बहुद हो रहा है काफ़िर यही दावा करता है कि ये जो दाना ज़मीन में जाता है ना इससे कोंपलें निकलती हैं अनार के दरख्त पैदा होते हैं ये खुद बहुत हो रहे हैं ये गोबर मिट्टी और पानी के मिलाप से दरख्त भी खुद बनता है और इसमें अंगूर अनार खरबूजे तरबूज़ और ये तरह तरह के और मेवाजात ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है पैगंबरों ने आके बताया कि ये खुद ब खुद कैसे हो गया माँ का नकुमन तुम भी तो शा रहा तुम अब इतनी तरक्की के बावजूद एक दरख नहीं पैदा कर सकते तो ये दरख खुद ब खुद कैसे पैदा हो गया इंसान जैसी जहीन मखलूक दरख नहीं बना सकती तो जो इतनी जहीन मखलूक नहीं कर सकती वो ऑटोमेटिकली कैसे हो गया फम बतना भी हदा इकदाता बहजा आसमान से पानी बरसता है मिट्टी और गोबर में मिलता है और कैसे खुशनुमा बागत पैदा हो जाते हैं उससे अल्लाह अल्लाह दावा कर रहा है कुरान में क्या उस जैसा कोई खुदा हो सकता है क्या हो सकता है उस जैसी ताकत किसी की कोई उस जैसा मोहसिन हो सकता है तुम्हारा अमन जाल करारा वजाल अनहारा वजाल रवासिया वजाल बइन अल बहरा जिजा भला जिसने जमीन में दरिया जारी कर दिए कैसे पहाड़ों पर बर्फ बरसती है और पूरी दुनिया को पानी पिलाती हुई समंदरों में जाके गिरती है अल्लाह अगर समंदरी इलाकों में बर्फ बरसा देते पहाड़ के लोग प्यास से मर जाते हला को जाते पहाड़ों में पानी बुलंदी पे बरस रहा है ताकि बुलंदी से फिसलते हुए नशे भी कितनी दुनिया को आप देखो ये दरिया सिंध है पता नहीं कहां से इसका सिरा शुरू हो रहा है कोई कह रहा है कश्मीर से आ रहा है कोई कह रहे है वहां से आ रहा है कोई कह रहे है वहां से आ रहा है कितने इलाकों को सहराब करते 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 फिर उससे नहरें निकल रही है उससे अनार अंगूर, तरबूज खरबूजे क्या फलों को अगर हम गिनना शुरू कर दें जबान थक जाती है फलों के नाम खत्म नहीं होते फिलुकल फरमाया एक पानी इनको पिलाया जा रहा है और इनके जायकों के में चेंजिंग देखो एक करेले की तरह कड़वा और एक आम जैसा मीठा इतनी शहद जैसी मीठी चीजें भी उसी से पैदा हो रही हैं और करेले की तरह कड़वी चीजें भी उसी से पैदा हो रही हैं उसी पानी से उसी गोबर से उसी मिट्टी से तो ये कैसे मुमकिन है भाई कि खुद बहुत हो रहा है तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो मजहब को नहीं मानते चाहे वो कितनी तमीज से बैठ के खाएं अल्लाह फरमाते कमाता कुलनाम ये ऐसे हैं जैसे चौपाई अल्लाह की नजर में क्यों मेरी और आपकी नजर में चौपाए नहीं है आप खुदा के नाफरमान को चौपाया कह दो गुस्सा आएगा वो कहेगा मैं जानवर कहां से हूं भाई मैं तो इंसान हूं इसलिए हम नहीं कहते लेकिन अल्लाह को हक हासिल है क्योंकि अल्लाह दो चीजें नोट कर रहा है कि खिलाने वाले का शुकर अदा कर रहे हो या नहीं कर रहे फरमावरदार हो या नाफरमान हो मान के चलते हो नहीं मान के चलते हो. बस तो जो नहीं मान के चलते अल्लाह फरमाते हैं बल होम अजल ये चौपायों से भी बदतर हैं इसलिए के बाज मरतबा चौपाया भी खिलाने वाले का शुक्रिया अदा कर देता है कुत्ते के सामने दो बोटियां डाले कैसी दुम हिलाता है वो वो खुदा को नहीं पहचानता वो वो समझ रहे हैं कि ये वो जिस जितनी अल्लाह ने उसको अकल दी है वो समझता है कि ये मुझे खिला रहा है लेकिन इंसान को तो अल्लाह ने अकल दी है इंसान को पता है कि जो मुझे खिला रहा है हकीकत में वो नहीं खिला रहा खिलाने वाला तो कोई और है तो कोई और है जो खिला रहे हमको तभी हमें हुक्म दिया गया है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई भी खिलाने वाला हो लेकिन आपने नाम किसका लेना है अल्लाह का इसलिए कि खिलाने वाला जरिया बन रहा है आपका बाप जो आपको खिला रहे हो जरिया वास्ता है उसका शुक्रिया बाद में पहले किसका अल्लाह का उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है निहायत रहम करने वाला है इतना मेहरबान है सुबह नाश्ता भी करा रहा है दोपहर खाना भी खिला रहा है रात खाना भी खिला रहा है उसके अलावा भी खिलाता रहता है खिलाता रहता है बल यदा मबसूत मसूतान अल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने दोनों हाथ खोल दिए, अपने दोनों हाथों से लुटा रहा हूं मैं और आखिर में क्या हुक्म दिया जब खाना खाओ तो क्या कहो अलहमदुल्ल अमाना वसकाना जालाना मुस्लिम ये मिनल मुस्लिम नहीं है मुस्लिम है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया जिसने हमें पिलाया और हमें मुस्लिम यानी फर्मा बरदार बनाया क्या मतलब कि खिलाने पर तो शुगर अदा कर रहे हैं लेकिन इस पर और ज्यादा शुगर अदा कर रहे हैं कि खिलाता तो सबको है लेकिन किसी को शुक्र की तोफीक मिलती है किसी को नहीं मिलती हम पर एहसान किया हमें मुस्लिम बना दिया कि हम खाने के बाद उस खिलाने वाले का शुक्र भी अदा कर रहे हैं क्या खूबसूरत दुआ है क्या खूबसूरत दुआ है इस दुआ की लज्जत अहलुल्लाह की नजर में खुदा की कसम खाने से ज्यादा है जिसके दिल में अल्लाह की मारिफत का ज़र्रा भी आ जाए उसे खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना दो निवालों के बाद ये दुआ मांगने में मज़ा आता है दो निवाले खा के जो ये दुआ मांगेगा इस दुआ के मांगने में जो उसको लजत महसूस होगी अल्लाह की कसम वो लज्ज़त खाने में नहीं होगी क्योंकि अल्लाह ने ऐसे लोग भी रखे हैं जो खाते हैं उसका शुक्र अदा नहीं करते आज बच्चों को ना खाने की दुआ आती है ना पहनने की दुआ आती है ना और सोने की दुआ ना उठने की दुआ वीडियो गेम देखते हुए सोते हैं फिल्म देखते 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 सो जाते हैं लड़कियों से फ़ोन पे बातें करते करते सो जाते हैं तो किसी गैर मुस्लिम के पास ये दुआ बोलो नहीं है कभी देखा हिंदू को खाने के बाद दुआ मांगते हुए कभी देखा ईसाई को कभी देखा यहूदी को ऐसे खूबसूरत अल्फाज के साथ दुआ मांगे वो तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो काफिर है जो खुदा को नहीं मानता चाहे वो कितने डिसेंट तरीके से खाए अल्लाह क्या फरमाते हैं, उसकी मिसाल कैसे है चौपायों की बल हम अगल बल्कि चौपायों से भी बतरी कुरान का अंदाज़ है कुरान एक बात को बयान करके बल असल में कहते हैं इजराब के लिए गोया पहली बात गलत है दूसरी सही है जब हम कहते हैं न कि भई मैं तो क्या नाम है आपके आपको जब आप मुझसे एक लाख रुपये मांग रहे हैं मैं तो आपको डेढ़ लाख दूँगा फिर मज़ीद जोश में आके नहीं बल्कि मैं दो लाख दूंगा आपको तो जब आप ये कहते हैं बल्कि है का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब पहली बात को आप क्या कर रहे हैं मुस्तरद गोया कि वो गलत थी वो मैं रुझू कर रहा हूं बल्कि मैं तो दो दूंगा तो अब यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह अपनी पिछले कलाम को गोया कि कैसे ये कह रहे हैं कि वो नहीं बल्कि ये वाला अल्लाह की तो हर बात सही है ना भाई अल्लाह कह रहा है कि ये लोग चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बोलो भाई बदतर सवाल पैदा होता है अगर चौपायों जैसे हैं तो उनसे बदतर कैसे तो पहले अल्लाह ने कहा उन जैसे अब अल्लाह कह रहे नहीं उनसे भी बदतर यह एक बलागत है के पहले आपको उस तक ले आओ उस तक लाया जाता है कि पहले यहां तो आओ ना एकदम कुरान कह देता है ये चौपाइयों से बदतर है तो हमारी समझ में बात नहीं आती पहले कुरान हमारी मेंटल अप्रोच की मेंटल लेवल के, के लिहाज से बात करता है कि तुम्हारे जहन में ये बिठाना बड़ा मुश्किल है कि यह चौपायों की तरह कैसे हो गए ये तो बड़े तमीज से छूरी कांटों के साथ और हाथ को पहले सैनिटाइजर से साफ करते हैं और थैंक यू कहते हैं जो वेटर खाना लेकर आता है एक्सक्यूज मी कहते हैं एक्सक्यूज मी एक चाय भी हो जाए साथ में और एक्सक्यूज मी एक कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए और दो पीजे और ले आए बड़ी तमीज से होटल भी बहुत अच्छा है चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं पिन के गिरने की आवाज़ भी नहीं आ रही इतने डिसेंट तरीके से खा रहे हैं और खाने के बाद टिशू से सैनिटाइजर से हाथ साफ किए और उसको टिप भी दे दी पचास रुपए और अल्लाह कह रहे हैं कि ये किसकी तरह है चौपाइयों की तरह तो बात खोपड़ी में आएगी इतने आराम से तो अल्लाह अगर डायरेक्ट कह देता ना चौपाइयों से बदतर है तो ये नहीं समझ में आ रहा कि चौपाइयों जैसे हैं, तो वो कहां से समझ में आते, आ, आता कि चौपाइयों से बदतर है इसलिए अल्लाह ने पहले हमारे जहन में बिठाने इतना तो पहले ले आओ कि ये चौपायो जैसे हैं। जब ये बात आएगी ना तो फिर अगली खुद समझ में आ जाएगी कि बल्कि इससे भी बदतर है ये कल अन आम बल हो मदल इससे वो हजार गुना बेहतर है जो जमीन पर बैठ के खा रहा है जिसके पास हाथ साफ करने के लिए गुर्बत की वजह से टिशू या रुमाल हाथ धोने का इंतजाम भी नहीं है वो मजबूरी में उन्हीं गंदे हाथों से खा रहा है सड़क पर बैठ के ना उसके पास कोई टिप देने का इंतजाम ना कोई थैंक यू के अल्फाज उसको आते हैं ना एक्सक्यूज मी का लफ्ज उसको पता है बैठ के दो निवाले खाता है सड़क पे बैठ के फुटपाथ पे बैठ के और उन दो निवालों पे अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि असल में खिलाया किसने है और मैं इस काबिल नहीं था अल्हमदू का मतलब क्या है कि मैं इस काबिल नहीं हूं तारीफ के काबिल तो वो है उसका एहसान है जो मुझे खिला रहा है वो मेरा हक नहीं है तो ये जो फुटपाथ पे बैठकर फटे पुराने कपड़ों में बैठकर जो गरीब आदमी दो वाले खाता है जिसको लोग कहते हैं कहेंगे कि इसको खाने की तमीज़ बोलो ना नहीं है ये जानवरों की तरह खा रहा है फुटपाथ पे बैठ के उसके वो गरीब आदमी है जिसको आप कह रहे हो कि ये हैवानों और जानवरों की तरह खा रहा है अल्लाह उसे कहते हैं कि ये इंसानों की तरह है ये क्या है सिर्फ इंसान नहीं एक कामिल इंसान है ये बल्कि ये इंसानों में जो आम इंसान है उनसे बेहतर है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अवा ज़मीन पे बैठ के खाते थे अक्सर अका एक प्याला सारे सहाबा वही पी लिया करते थे हदीस में आता है कि भूख की शिद्दत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी रसूल ने बुलाया कि आप आ जाएं मेरे घर में आपके लिए खाने का इंतज़ाम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशीफ ले गए और साहबा भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तु फरमाते हैं कि दूध का एक प्याला था मुझे हुक्म दिया गया आपने हुक्म दिया कि तुम पिलाना शुरू करो सबको फरमाते फरमाते मेरे जहन में ख़्याल आया कि एक प्याला मैं जब पिलाना शुरू करूँगा तो सबसे आखिर में किसका नंबर आएगा मेरा नंबर आएगा तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा तो वो दाएं तरफ से शुरू किया और वो पूरा घूमता घूमता नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसलम तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुर से फ़रमाया पियो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा हज़रत अबू हुर फरमाते हैं कि मैंने पिया आपने फ़रमाया और पियो फरमाते मैंने और पिया फरमाया और पियो फरमाते हैं कि इतना पिया कि मैंने कहा कश शबी तो या रसूल अल्ला मैं सैर हो गया हूँ या रसूल अल्लाह इसमें क्या सबक मिलता है कोई तकल्लुफ़ नहीं देखो जिन तकल्लुफ़ात में हम पड़े हुए हैं ना ठीक है ये तकल्लुफ़ कोई बुरी चीज़ नहीं है आपको अल्लाह ने वसाइल दिया आप अच्छे होटल में खाएं, तमीज़ से बैठ के खाएं, आप टिप भी दें थैंक यू भी कहें मी भी कहें ऐसे गालियां दे के बुलाना वो ले आते घंटे से बोला हुआ चाय लेकर आ वो गालियां वाली अच्छा काम नहीं है लेकिन इन चीजों की अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू बोलो अल्लाह की नज़र में तो है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है आखिर में, में मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं एक फॉर्मेलिटी नहीं फॉर्मेलिटी तो पूरी कर देते हैं लोग रटी रटाए एक फॉर्मेलिटी होती है बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली एक आदत पड़ी हुई है एक होता है सोचना कि उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और पिलाया तो जो ये दिल से ये अल्फाज कहेगा जब अल्लाह की नाफरमानी का मौका आएगा तो वो फिर उस गुनाह के करीब नहीं जाएगा कहेगा मैं मेरे जिसम में जो ताकत आई है जिस जिस रिस्क के जरिए तो उस रिस्क पे तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके एतराफ़ किया कि मुझे किसने दिया ये अल्लाह ने तो कुछ तो उसका हक़ है एक शख्स आपको बंदूक दे दे गिफ्ट के तौर पर आपके दिफा के लिए आप उसी गोली से उसी को मार दो शर्म आएगी ना आपको ये काम करते हुए कि यार जिसने मेरे दिफा के लिए मुझे पिस्टल दी है बंदूक दी है मैं उसको पे कैसे चलाऊं ये मैं तो निहत्ता था उसने मेरी मदद की जिस खुदा ने रज़ दिया उसके रिस की बरकत से जिसम में ताकत आती है क़ुत आती है उसी ताकत और क़ुत के बलबोते पर जिना करना गुनाह करना शराब पीना कमजोर का हक दबाना उसी से कमजोर की विरासत खाना उसी जवानी के नशे में आके बूढ़े बाप के सामने जबान चलाना उसी जवानी के जोश में बूढ़ी माँ के सामने बदकलामी करना उसी जवानी के जोश में अपनी नींद कुर्बान ना करना और नमाज को कजा कर देना तो आप बताओ खुदा को इस पे गजब आएगा कि नहीं आएगा एक तरफ तो कह रहा है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाई इसका मतलब ये दिल से नहीं कह रहा था ये दिल से नहीं कह रहा था तो हजरत अबी अल्लाह फरमाते हैं मैंने पिया और मैं सैर हो गया इसमें क्या सबक मिलता है कि जब शुक्र के साथ बेतकल्लूफी के साथ रिस्क मिलता है तो अल्लाह उस रिस्क में बरकत देते हैं आज इंसान कितना खा रहा है मगर आप टेस्ट करवाएं लेबोरेटरी में फिर भी किसी ना किसी चीज की कमी होगी आयरन की कीले खा रहे हैं मगर जब टेस्ट करवाएंगे तो क्या होगा आयरन की कमी ओ भाई तू तो फौलाद खा रहा है स्टील मिल में तू मुलाजमत कर रहा है <laughs> तेरी बॉडी तो स्टील की होनी चाहिए एक मिसाल दे रहा हूं मैं स्टील मिल में मुलाजमत करने से आयरन की कमी पूरी नहीं हो जाती इतना मुझे पता है तो ये कैसा